जी हाँ, वीडियो शुरू करने से पहले आपके और आपके पूरे परिवार को वाईफाई ज्ञान चैनल की पूरी टीम की तरफ से हमारे भारत देश में हो रहे 74वां स्वतंत्रता दिवस की ढेरों सारी बधाइयाँ। और दोस्तों, अगर आप एक भारत के सच्चे नागरिक हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन में वंदे मातरम जरूर लिख दीजिएगा। चलिए बात करते हैं सुबह सुबह के मुख्य समाचार। इंडिया न्यूज हेडलाइंस न्यूज के तहत आज हमारे भारत के सरकार ने स्वतंत्रता दिवस के मौके पर बहुत यहाँ पर बड़े बड़े ऐलान को जारी किए हैं। आज हम आपको अपने इस वीडियो में इन्हीं सभी पर बड़े ऐलान के बारे में आपको बताने वाली हैं। तो अगर दोस्तों आप भी इन सभी जानकारियों से अपडेट रहना चाहते हैं तो इस वीडियो को थोड़ा सा भी स्किप मत कीजिएगा, एकदम ध्यान से बने रहेगा हमारे साथ इस वीडियो में और पूरा लास्ट तक जरूर देखिएगा। बस वीडियो में आगे जाने से पहले आपसे एक छोटी सी नन्ही सी रिक्वेस्ट है, अगर दोस्तों आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, क्योंकि आपका जो लाइक और शेयर होता है वही हमारी असली मेहनत का फल होता है। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना समय वाले चलता हूँ आपको आज की सबसे बड़ी खबरों की तरफ। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप स्क्रीन ऊपर देख पा रहे हो कि भारत के पड़ोस में एक यात्री के कारण पूरे देश में लगाना पड़ा लॉकडाउन। जी हाँ, दरअसल दोस्तों हमारे भारत के एक करीबी देश है जिसका नाम है भूटान। और दोस्तों हमारे भूटान देश में आपके एक यात्री के कारण पूरे यहाँ पर भूटान देश में आपका लॉकडाउन लग चुका है। तो आखिरकार इसका पूरा मामला क्या है? तो फ्रेंड्स, यहाँ पर साफ साफ लिखा गया है कि भूटान ने देश में पहला राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन लगा दिया है। यहाँ आई एक यात्री में वायरस संक्रमण पाए जाने के बाद देश में लॉकडाउन लगाया गया है। और दोस्तों यह यात्री क्वारंटीन सेंटर से निकल चुकी थी और इसके बाद उसने कई जगहों पर यात्रा की थी। अब भूटान की सरकार ने लगभग 7.5 लाख लोगों को घर पर रहने का आदेश जारी किया है और इसके साथ ही आपके सभी स्कूल, कॉलेज और जितने भी आपके कार्यालय, व्यवसायिक प्रतिष्ठान है उन सभी को बंद रहने के लिए हमारे भूटान देश की सरकार ने बहुत यहाँ पर बड़े ऐलान को जारी कर दिया है। तो फ्रेंड्स, ऐसे में अगर आप एक भारत के नागरिक हैं तो यह खबर आपको जानना बेहद ही ज्यादा जरूरी था कि हमारे भारत के बहुत यहाँ पर करीबी और यहाँ पर पड़ोसी देश भूटान में पूरी तरह से यहाँ पर लॉकडाउन को लगा दिया गया है। चलिए अब बात करते हैं अगला अपडेट्स की। फिर एक्टिव हुआ मानसून, बिहार के कई हिस्सों में 16 अगस्त तक होती रहेगी भारी बारिश। जी हाँ, दरअसल दोस्तों हमारे भारतीय मौसम विज्ञान विभाग की तरफ से आपके मौसम को लेकर बहुत ही बड़ी चेतावनी को जारी की गई है। अगर दोस्तों आप भी इन राज्यों से आते हैं ना तो आपके इन राज्यों में भारी बारिश के साथ साथ तेज आंधी का अलर्ट जारी किया गया है। तो चलिए आज मौसम की पूरी जानकारी देख लेते हैं कि आखिरकार हमारे भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने आपके किन किन राज्यों को अलर्ट जारी किया है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर लिखा गया है कि बिहार में एक तरफ अधिकतर नदियों में उफान तो दूसरी ओर आसमानी आफत भी कम होने का नाम नहीं ले रही है। और दोस्तों आलम यह है कि राज्य के 14 जिले बाढ़ से बुरी तरह से प्रभावित हो चुके हैं। और इस बीच प्रदेश के लोगों के लिए एक और यहाँ पर बुरी खबर है कि लगभग एक हफ्ते बाद बिहार मानसून फिर से सक्रिय हो गया है और हमारे भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार बंगाल की खाड़ी से बिहार तक आई नमी युक्त हवाओं के कारण बिहार में अभी और यहाँ पर बारिश के आसार है। यानी कि दोस्तों हमारे बिहार राज्य में लगभग आपके 14 जिलों में अभी भी आपके बारिश के आसार बने हुए हैं। यानी कि दोस्तों आपके 16 अगस्त तक यह आपका मानसून ऐसा ही रहने वाला है। अगर दोस्तों आप भी बिहार राज्य आते हैं तो ऐसे में आप जान लीजिए कि हमारे बिहार के लगभग 16 जिलों को हमारे भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने लगभग 24 घंटों के लिए अलर्ट जारी कर दिया है। चलिए अब बात करते हैं अगला अपडेट्स की। जियो ने दिया स्वतंत्रता दिवस पर तोहफा, इन ग्राहकों को 5 महीने तक फ्री डेटा और कॉलिंग की सुविधा मिलेगी। जी हाँ, दरअसल दोस्तों बात कुछ ही है ना कि हमारे जियो कंपनी के मालिक मुकेश अंबानी ने बहुत यहाँ पर बड़े ऐलान को जारी किए हैं। अगर दोस्तों आप भी जियो के ग्राहक है तो ऐसे में आप जान लीजिए कि आपको अगले 5 महीनों तक बिल्कुल भी यहाँ पर फ्री आपको जियो का लाभ मिलने वाला है। तो चलिए इसकी पूरी जानकारी देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर साफ साफ लिखा गया है कि रिलायंस जियो के ऑफर का इंतजार सभी यूजर्स को रहता है। और दोस्तों जियो हर साल स्वतंत्रता दिवस के मौके पर कुछ यहाँ पर नए ऑफर पेश करता है। और दोस्तों इस परंपरा को आगे बढ़ाते हुए कंपनी ने इस साल भी नया ऑफर पेश किया है जिसके तहत कंपनी के ग्राहकों को 5 महीने तक डाटा फ्री और यहाँ पर कॉलिंग की सुविधा आपको मिलेगी। तो फ्रेंड्स, ऐसे में अगर आप भी जियो सिम का यूज करते हैं तो ऐसे में आप जान लीजिए कि हमारे रिलायंस जियो के मालिक मुकेश अंबानी ने आपको अगले 5 महीने तक बिल्कुल भी यहाँ पर फ्री में डाटा और यहाँ पर कॉलिंग की सुविधा आपको देने का ऐलान जारी किया है। तो चलिए अब जान लेते हैं कि इस सुविधा का लाभ उठाने के लिए आपको कौन सा यहाँ पर रिचार्ज करवाना होगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर लिखा गया है कि रिलायंस जियो ने यह तोहफा इस बार अपने जियो 5 4G वायरलेस हॉटस्पॉट डिवाइस के ग्राहकों को दिया है। और दोस्तों जियो 5 की कीमत 1999 रुपए है और इस ऑफर के साथ इसे खरीदने वाले ग्राहकों को अगले 5 महीने तक डाटा के साथ साथ फ्री कॉलिंग की सुविधा मिलेगी। तो दोस्तों ऐसे में अगर आप भी जियो का सिम यूज करते हैं तो आपको 1999 रुपए वाला प्लान करवाना चाहिए क्योंकि आपको इस प्लान के तहत आपको अगले 5 महीने तक बिल्कुल भी यहाँ पर फ्री में डाटा और आपको कॉलिंग की सुविधा बिल्कुल भी यहाँ पर फ्री में मिलने वाली है। तो ये कुछ हमारे रिलायंस जियो के मालिक मुकेश अंबानी ने अपने ग्राहकों के लिए बहुत यहाँ पर खास प्लान को पेश किए हैं।
तो फ्रेंड्स ऐसे में आप किस कंपनी का सिम यूज करते हैं। अगर दोस्तों आप जियो कंपनी का सिम यूज करते हैं तो हमें नीचे कमेंट सेक्शन में अपने जियो का नंबर जरूर बता दीजिएगा। चलिए अब बात करते हैं अगला अपडेट की। RBI ने इन बैंकों पर लगाया लाखों रुपए का जुर्माना, किया होगा ग्राहकों पर इसका असर। जी हाँ दोस्तों, हमारी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अपने सभी यहाँ पर बैंक ग्राहकों के लिए बहुत यहाँ पर बड़े अलर्ट को जारी किया है। अगर दोस्तों आपका किसी भी सरकारी बड़े बैंक में खाता है तो आपको यह खबर जानना बेहद ही ज्यादा जरूरी है कि आखिरकार हमारे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने सभी बैंक ग्राहकों के लिए कौन से यहाँ पर अलर्ट को जारी किया है। तो चलिए इसकी पूरी जानकारी को देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर लिखा गया है कि भारतीय रिजर्व बैंक यानी दोस्तों RBI ने बृहस्पतिवार को कहा कि उसने नियमन अनुपालन में कमियों को लेकर 4 सहकारी बैंकों पर 10 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। और दोस्तों केंद्रीय बैंक ने कहा है कि जुवाई को ऑपरेटिव अर्बन बैंक लिमिटेड पर 5 लाख रुपए तक का जुर्माना लगाया जा सकता है, और इसी के साथ हमारे अर्बन को ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड पर 2-2 लाख रुपए का जुर्माना लगाया जा सकता है। और आपको बता दें कि इससे हमारे बैंक ग्राहकों को कोई भी यहाँ पर असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि हमारे RBI लगातार ये नए नियम चेंज करती रहती है। तो फ्रेंड्स हमारे इस साल भी आपके स्वतंत्रता दिवस के मौके पर हमारे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने यानी दोस्तों RBI बैंक ने अपने सभी यहाँ पर निजी सरकारी बैंकों में, जैसे कि यहाँ पर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हो गया, ICICI बैंक हो गया, HDFC बैंक हो गया, ऐसे से करके आपके जितने भी यहाँ पर सरकारी बड़े बैंक है उन सभी में यहाँ पर नए नियम चेंज कर दिए गए हैं। चलिए अब बात करते हैं अगला अपडेट की। इस सप्ताह 2000 रुपए गिरा सोने का वायदा भाव, जानिए कितनी हुई चांदी की कीमत। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि हमारे सोने और चांदी का भाव लगातार यहाँ पर आपका गिर गया है। और दोस्तों हमारे इस साल भी आपके स्वतंत्रता दिवस के मौके पर आपके सोने और चांदी के भाव में काफी यहाँ पर नरमी देखी गई है। तो चलिए इसकी पूरी जानकारी को देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर साफ साफ आपका क्लियर कर दिया गया है, भारतीय बाजारों में आज सोने और चांदी की कीमतों में गिरावट आई है। और दोस्तों MCX पर अक्टूबर सोना वायदा 0.65% गिर करके 52,596 प्रति 10 ग्राम पर हो गया है, जबकि सितंबर का चांदी वायदा 1% गिर करके 70,345 रुपए प्रति 10 ग्राम पर आ गया है। और वहीं दोस्तों हमारे पिछले सप्ताह 56,000 के रिकॉर्ड उच्च स्तर के बाद सोने की कीमतें अस्थिर है, और हमारे पिछले सत्र में इस सोने में 1% की वृद्धि हुई थी, जबकि चांदी में लगभग 6% की आपकी वृद्धि हुई थी। और दोस्तों हमारे इस सप्ताह आपके सोने में लगभग 2000 रुपए की आपकी कमी देखी गई है, यानी दोस्तों हमारे दिल्ली सरफरा और यहाँ पर वायदा बाजार के अनुसार हमारे सोने की कीमत में काफी यहाँ पर गिरावट देखी गई है। और इतना ही नहीं दोस्तों, बल्कि आपके चांदी में भी आपके काफी यहाँ पर गिरावट देखी गई है। तो फ्रेंड्स यही आपका सही मौका है कि अगर आप सोने और चांदी का ज्वेलरी बनवाना चाहते हैं तो आप इस हमारे 74वां स्वतंत्रता दिवस के मौके पर आप सोने और चांदी का ज्वेलरी बनवा सकते हैं। तो बस आपको यही कुछ यहाँ पर बड़ी बड़ी खबरों से अपडेट कराना था, जो कि आज 15 अगस्त 2020 दिन शनिवार के दिन को यही कुछ हमारे भारत की सरकार ने हमारे पूरे भारत में बड़ी बड़ी खबरों को जारी किया था, जिसके बारे में आपको जानना और सुनना बेहद ही ज्यादा जरूरी था। तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं एक और वीडियोस में एक और अपडेट्स में, तब तक के लिए सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।